हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट में लाल बैंगनी रंग के चुकंदर को शामिल नहीं कर रहे हैं तो आप फौरन शुरू कर दीजिए। हमारी आज की ये वीडियो देखकर आपको चुकंदर के ऐसे फ़ायदों के बारे में मालूम चलेगा जो शायद आप अभी तक नहीं जानते थे। चुकंदर आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने से लेकर एक नेचुरल फूड कलर के रूप तक में भी काम करता है। चुकंदर को आप सलाद, जूस या हलवा किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत रंग वाली सब्जी से आप क्या लाभ उठा सकेंगे। चुकंदर नाइट्रेट्स का एक अच्छा सोर्स है। इसका सेवन किए जाने पर ये नाइट्राइट्स और एक गैस नाइट्रिक ऑक्साइड्स में बदल जाता है। ये दोनों तत्व धमनियों को चौड़ा करने और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि हर रोज 500 ग्राम चुकंदर खाने से लगभग 6 घंटे में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर घट जाता है। चुकंदर के मिनरल सिलिका मौजूद होता है। इस तत्व की वजह से कैल्शियम शरीर को प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर पाता है। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी होता है। इसलिए दिन में एक गिलास चुकंदर का जूस पीने से आप ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों व दांतों की दूसरी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो चुकंदर खाकर अपनी मीठे की तलब मिटा सकते हैं। इसको खाने का फ़ायदा ये होता है कि मीठे की तलब पूरी होने पर भी ये आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेजिटेबल है। इसका अर्थ ये है कि ये खून में बहुत धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है। इसमें बहुत कम कैलोरी होती है और इसका फैट फ्री होना भी इसे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए परफेक्ट वेजिटेबल बनाता है। यह एक मिथक है कि रंग में लाल होने के कारण चुकंदर खून की कमी को मिटाने में मदद करता है और इस वजह से ये अनीमिया में ज़रूर खाना चाहिए। हालांकि इस मिथक में आधा सच भी छिपा है। चुकंदर में बहुत अधिक आयरन होता है और आयरन की मदद से हीमाग्लुटेनिन बनता है, जो कि रक्त का ही एक ऐसा हिस्सा होता है जो ऑक्सीजन और बहुत से पोषक तत्वों को शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। चुकंदर के यही आयरन तत्व अनीमिया से लड़ने में मदद करते हैं। चुकंदर का बीटा साइनिन तत्व एक और बहुत ज़रूरी काम करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों को ब्रेस्ट या प्रोस्टेट कैंसर होता है वो अगर चुकंदर खाएं तो उनको ट्यूमर बढ़ने की गति 12.5% कम हो जाती है। चुकंदर का जूस पीने से व्यक्ति का स्टेमिना 16% बढ़ जाता है। ऐसा इसके नाइट्रेट तत्वों के कारण होता है। शरीर में ऑक्सीजन बढ़ने से मस्तिष्क भी ठीक प्रकार से अपना काम कर पाता है। चुकंदर खाकर आप डिमेंशिया तक में राहत पा सकते हैं। चुकंदर सौंदर्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो चेहरे पर झुर्रियां और आंखों के डार्क सर्कल को दूर करते हैं। ऐसा करने के लिए आप मध्यम आकार का चुकंदर लें और इसे छोटे स्लाइस में काटें। फिर इन स्लाइस को ब्लेंडर में डालकर एक पतला पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के बाद धो लें। ये आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आंखों के डार्क सर्कल्स और रिंकल्स में फ़र्क महसूस करेंगे। इसमें विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो चेहरे पर मौजूद पिंपल्स को दूर भी करते हैं। रूसी जैसी समस्या को भी हम चुकंदर से दूर कर सकते हैं। इसमें एंजाइमेटिक गुण बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए चुकंदर के रस में सिरका डालकर सिर में लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू।